बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्मीना के दस्तरखान में आप सबको खुश आमदी। बहनों भाइयों, आज मैं बना रही हूँ बचे हुए आलू कीमा से पराठे। ये कल मैंने आलू कीमा पकाया था तो उसमें से ये काफ़ी एक प्लेट सारा बच गया था, तो बच्चे खाते नहीं अब, तो मैं सोचा इनका पराठे बना रहा हूँ। ये इसके जो अंदर आलू थे उनको मैंने मैश कर लिया है, और ये प्याज हैं दो छोटे मीडियम साइज के, और दो हरी मिर्चें थी उनको मैंने क्रश कर दिया इस तरह मशीन में। और इसमें मैं डालूंगी थोड़े से चिली फ्लेक्स, क्योंकि पहले भी मिर्चें हैं इसमें, जब पकाया था तो ज़ाहिर है इसमें मिर्चें मसाले सारे ऐड किए थे। और ये थोड़ी सी मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले अब मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, इस तरह मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। ये कीमे में सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली इस तरह, देखिए मिक्स हो गया। अब मैं इसके पराठे बनाने शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे छोटे ही बनाते हैं। आप भी जब इस तरह कोई कीमा वगैरह या कोई अच्छी दाल जो भी खुश्क पकी हुई हो तो आप उसके पराठे बना के खिलाएं बच्चों को, बहुत पसंद आएंगे बच्चों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं ये रख रही थी थोड़ा सा और, इस तरह चारों तरफ से उठाते गए। और ये देखिए आप चाहें तो, अगर इस तरह आपको मुश्किल लगती है तो जिस तरह आप एक छोटी रोटी बेल के उसके ऊपर एक और रोटी रख के आप उस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे आदत नहीं है, मैं हमेशा इसी तरह बनाती हूँ। हल्के हाथों से बेल लूंगी मैं, लेकिन पराठा मैंने बेल लिया है, इसको मैं उठा के तवे पे डालती हूँ। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। घी लगा देती हूँ मैं घी लगा रही हूँ, आप ऑयल भी लगा लें जो आप खाते हैं। देखिए कलर देती हूँ मैं इसको, ओ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त हमारा पराठा था, इसी तरह मैं बाकी भी बना देती हूँ। हमारा दूसरा पराठा भी रेडी है, और इस पर मैं डाल रही हूँ मेरा होममेड मक्खन। ये देखिए आज ही बनाया है मैंने, गर्मी है तो वो पिघल गया। ये देखिए बहुत जबरदस्त। ये हमारा आखिरी पराठा भी रेडी हो गया है, उतार देती मैं इसको। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त। इस पे डालती हूँ मैं मक्खन, बहुत जबरदस्त। आप जरूर बनाएं, खाएं, मुझे भी दुआ में याद रखें। कोई भी साधन हो आप अगर खुश करें तो आप लगाए पराठा, नहीं तो आप स्पेशल कीमा वगैरह भून के तो बना के दे बच्चों को पराठे, आपको बहुत पसंद है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।